क्लासिक्स आज हम साइंस के जो चैप्टर नंबर सेकंड आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन। उससे पहले हम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं उसको फूड में कैसे पता लगाएं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके लिए टेस्ट करेंगे। फूड आइटम जो भी आपके पास फूड है जो कार्बोहाइड्रेट के आप एक्सपेक्टेड फूड पढ़ चुके हैं उसमें से कोई भी फूड आइटम आपको लेना है उसके अंदर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, थोड़ी बूंदी उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। तब अगर उसका कलर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर उसका डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च एब्सेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें सेकंड कंपोनेंट प्रोटीन। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये बड़े और जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं दैट आवर सेल्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारी सेल्स को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए ये चाहिए होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर कॉन्स्टेंट बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ये लगातार हमारे जो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है उनके लिए हमें ये लगातार चाहिए उनको बनाने और रिपेयरिंग के लिए, जैसे कि नेल्स हमारे नाखून हेयर बाल स्किन के लिए, मसल्स एंड ब्लड और आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये सभी क्या होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क एग मीट फिश, हमें मिल्क से एग से मीट से फिश ओट्स जो से योगर्ट दही से एंड और काइंड ऑफ पल्स से सभी तरह की दालों से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं मिलकर, जिनको ये छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल का नाम होता है अमाइनो एसिड्स। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट रिसीव एनी कार्बोहाइड्रेट, जब हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं मिलता है एंड फैट्स टू रिलीज एनर्जी, और फैट नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है एनर्जी नहीं मिलती है हमारे शरीर को। प्रोटीन कैन रिलीज एनर्जी इन दो स्पेशल केसेस, आप जब हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाई फैट नहीं खाई सिर्फ प्रोटीन की कोई चीज़ खाई है तो वो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करेगा एनर्जी उस वक्त प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसके अंदर आपको मेन मेन बताए हुए हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है सी फूड जो समुद्र से मिलने वाले जीव हैं उनको खाने से, मीट फ्रॉम फिश जो फिश का मीट है चिकन मटन एक्सेट्रा, मिल्क चीज़ एंड योगर्ट दूध दही और पनीर, एग्स इसमें अंडे बीन्स जो जितनी भी फलियाँ होती है और नेक्स्ट इसमें सोयाबीन। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्या क्या फायदे होते हैं, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी, हर एक सेल जो शरीर में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अवर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, ये क्या करता है हमारे टिश्यू को बनाने और रिपेयर करने का काम करता है बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। नेक्स्ट इसके बाद में सेकेंड थर्ड इसमें भी ऑल्सो यूज प्रोटीन टू मेक एंजाइम हॉर्मोन एंड अदर बॉडी केमिकल्स, शरीर के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए जो एंजाइम हॉर्मोन और बॉडी केमिकल्स चाहिए वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फोर्थ इसमें प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स मसल कार्टिलेज स्किन एंड बोन्स ब्लड, इसमें क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बनाने वाला मुख्य जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है वो किसको, बोन्स हड्डियों को मसल्स मांसपेशियों को, कार्टिलेज जो कि हड्डी नहीं होती लचीली होती है हड्डी की तरह ही, स्किन एंड ब्लड इन सबको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है अलोंग विथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ में प्रोटीन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये क्या है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब हमारी बॉडी को बड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट के अंदर, मीनिंग दैट द बॉडी रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ इट मतलब इसकी बाकी तत्वों से ज़्यादा मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे परफॉर्म करने के लिए कि फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे फूड का पार्टिकल लेंगे, कोई भी फूड का थोड़ा सा टुकड़ा हम ले लेंगे ग्राइंड इसको पीस लेंगे एकदम एंड टेस्ट एंड ड्रॉप वाटर प्लस फूड, उसके अंदर हम 10 बूंदे पानी की ऐड कर देंगे। नेक्स्ट उसके अंदर हम मिलाएंगे एड कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन आता है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद में उसमें 2-3 बूंदे मिलाएंगे कास्टिक सोडा की, ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद अगर उस सोल्यूशन में वॉयलेट कलर आ जाता है इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो उस फूड आइटम में प्रोटीन क्या है एब्सेंट है। नेक्स्ट हम इसके बाद में फैट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे,